हेलो स्टूडेंट्स, भाई आप लोग कैसे हैं? ये पूछना आज बहुत ज़रूरी है, तो बढ़िया ही होंगे क्योंकि आपकी रिप्लाई तो मुझे यही मिलने वाला है कि आप सब बढ़िया हैं। आज हम लोग कोई क्लास नहीं ले रहे, आज हमारे कोई सिलेबस नहीं है, कुछ भी हमारे पास नहीं है। बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी बातें हम लोगों को करनी है वो सब मोटिवेशन की फॉर्म में करनी है। आज हमें क्या लेना है? उड़ान लेनी है। आपको बड़ा किसी को लगेगा कि उड़ान लेनी है तो सर क्या आज उड़ना है बर्ड्स की तरह? नहीं भाई, आज देखिए बात है इरादों की, आज है बात हम जो सोचते हैं, जो हमारे गोल्स होते हैं उसके लिए हम फ्रीडम से रहना चाहते हैं, और जो भी फ्रीडम से रहता है ना वो उड़ता ही है, ठीक है ना। कई आप लोगों ने देखा होगा कि मूवीज के सॉन्ग होते हैं आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ना तो वो भी इसी तरह से उड़ान वाली बात होती है। तो जब हम चाहते हैं ना वो चीज़ जब मिल जाती है तो हमें उड़ान महसूस होती है, हम लोगों को फ्रीडम हल्का महसूस होता है कि वाह यार जो चाहते थे वो मिल गया। जब हम खुश होते हैं तब हमें उड़ान महसूस होती है, ठीक है। और हम उस समय भी इस सोचते हैं कि वाह यार क्या हल्का महसूस हो रहा है, जो चाहा वो पा लिया। तो ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग अगर हम लोगों में है तो तैयारी हमारी हमेशा अच्छी रहती है, जितने हम कूल होंगे। कहते हैं ना आज के बंदे के लिए बोलते हैं यार कूल है यार, ठीक है। कूल है मींस वो हर चीज को बड़ा लाइट लेता है, लेकिन अपने जो गोल्स है ना उनका ध्यान रखता है। तो जो बंदा गोल्स का ध्यान रखता है वो इजी गोइंग में अपने टारगेट को पा लेता है। अब देखिए आप मेरा वीडियो लेक्चर दे रहे हैं और मैं बहुत लंबे लंबे आप लोगों को बातें करूं, 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट तक जाए और मेन चीजें ना आए मजा नहीं आता। हमारा टारगेट क्या है, हम चाहते क्या है, हम एक छोटी सी मोटिवेशन क्लास लगाना चाहते हैं आप लोगों के लिए। आप में वैसे ही काफी मोटिवेशन है हम मान के चलते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा सरप्लस कर देते हैं। मैं मान के चलता हूं आप लोगों ने 11th और 12th का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों का बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, मैं मान के चलता हूं कि अब आप लोगों को दिमाग में यह चीज है यार किस चीज को सेट कैसे करें। हमने एंट्रोपी केमिस्ट्री में डील की है ना, सब डिस्टरबेंस होता है, जितना डिस्टरबेंस होता है उतनी ही एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा होती है ना। केमिस्ट्री में ऐसे ही कहते हैं, यहां हम लोगों को एंट्रोपी की वैल्यू कम करनी है, इट मींस सब चीज वेल अरेंज करनी है, और जो चीज जितनी वेल अरेंज होगी हम लोगों को एग्जाम के टाइम पर उतना ही कूल फील होगा। और मैं स्पेशली यहां जो उड़ान आपको महसूस कराना चाहता हूं वो कराना चाहता हूं लिट के लिए, या मैं एम्स की बात कर सकता हूं। तो आप लोगों को यह बात का ध्यान रखना है कि हम नीट या एम्स की बात करेंगे, जितने भी ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब की हम बात करेंगे और हम इनको लेकर लेके चलेंगे। तो स्पेशली हम लोग क्या बात करेंगे बच्चों, ये उड़ान किसके लिए है? प्री मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, क्योंकि मैं स्पेशली बायोलॉजी को डील करता हूं तो प्री मेडिकल की बात करूंगा, चाहे वो नीट हो चाहे कोई स्टेट एग्जाम हो, ठीक है ना। तो हम उसी की बात करेंगे, चाहे वो एम्स का एग्जाम हो। तो इसके लिए हम लोग अपनी उड़ान महसूस करेंगे। और देखिए आप जब हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे तब आप लोगों के पास सब कुछ होगा, है ना, और इजी गोइंग में आप लोग जो होते हैं वो इन बातों को समझ सकेंगे। अब ये बात यह समझनी है कि मैं स्टूडेंट हूं और मैं एस्पायरेंट हूं किसका, पीएमटी या नीट प्री मेडिकल का मैं हूं, मैं चाहता हूं कि यार मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है तो मैं क्या करूं। एक तो वो बंदा होता है, दूसरे बंदे की प्रॉब्लम ये होती है वो पढ़ता है सब कुछ भूल जाता है, पढ़ता है सब कुछ भूल जाता है, उसे कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता। तीसरा बंदा ऐसा है जो साल भर तो मस्ती किया, मॉल में गया, यहां घुमा वहां घुमा, मूवीज देखी। मैं जाता हूं तो कई बार देखता हूं 5 रुपीज में एक मूवी डाउनलोड कर देते हैं वो लोग, मैं खुद नहीं जाता हूं मोबाइल में, लेकिन वो डाउनलोड कर देते हैं, बच्चे वहां पर ही भीड़ कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साल भर एंजॉय किया, अब वो सोचते हैं कि अब क्या करें यार, एग्जाम आ गया है तो प्रॉब्लम आने वाली है, अब क्या करेंगे। ऐसे लोगों को भी ध्यान देना होगा, उनको भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। एक सीधी सी बात ध्यान रखना, जो जीता वही सिकंदर, ठीक है। एंड में जिन्होंने रिजल्ट दे दिए वो बच्चों को हमेशा याद किया जाएगा। और जो दंगल मूवी हमने देखी है उसका भी वही डायलॉग है कि भाई विनर को सब याद रखते हैं, टॉप फर्स्ट पोजीशन पे होता है उसे सब याद रखते हैं, फिर उनकी मिसालें दी जाती हैं, उन्हें भूलता कोई नहीं है। तो
आप लोगों को एक बात दिमाग में रखनी है कि जो भी गोल हमारा है, चाहे हम किसी भी कैटेगरी में हो, फर्स्ट कैटेगरी हमारी कौन सी हो सकती है, हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, हम साल भर मस्ती किए, अब हमारे पास 30 डेज है, अब क्या करें, बिल्कुल लोअर कैटेगरी, एक उनके लिए भी मोटिवेशन की जरूरत है। देखिए जब तक रिजल्ट ना आए, जब तक एग्जाम ना आए, सबके 100% चांस है कि वो फाइट कर लेंगे, इसी एटीट्यूड के साथ चलना है। सेकंड कैटेगरी ऐसी है, बच्चे ने पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ भूल रहा हूं और मैं कुछ याद रख लेता हूं, ठीक है। थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट की है जो पूरी तरह से तैयारी कर चुका है, थोड़ा सा उसको पुश चाहिए कि यार सर मैं तैयार हूं, मुझे कॉन्फिडेंस भी है, मैं कर लूंगा, आप अपनी बात बोलिए, थोड़ा सा पुश मिल जाता है तो क्या बुरा है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि हर एग्जाम की दो चीजें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो खुद एग्जाम है ना, और एक एग्जाम के लिए होता है प्रिपरेशन। अब दो तरह की प्रिपरेशन आप लोग करते हो, एक तो आपकी प्रिपरेशन होती है किसके साथ, स्टडी के साथ, आप लोग स्टडी करते हो, ठीक है। एक प्रिपरेशन होती है मेंटल, जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल। मुझे मोटिवेशनल क्लास में इसी की बात करनी है। मैं स्टडी आपको करा चुका हूं, क्लास 11 और 12 का टोटल चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, आप लोगों ने प्री मेडिकल एग्जाम की सभी मैटर आपको मिल चुका है, ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया है। जिसका नहीं हुआ उसके लिए भी हम बात करेंगे, जिसका नहीं हुआ उसके लिए भी हम बात करेंगे, जिसका हो गया है और उसे वेल अरेंज करना है, यानी एंट्रोपी की वैल्यू को डाउन करना है, उसकी हम बात करेंगे, वो सब चीजें उसको वेल अरेंज करनी है, सोच रहा है क्या करूं यार, कैसे मैं किसको पहले पढ़ूं किसको बाद में पढ़ूं और किस तरह की तैयारी करूं। तो देखो मेंटल या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले आपसे डिस्कस करूंगा कि हम चाहते क्या है, हमारा जो कंपटीशन है फाइट हो जाए उसके लिए हमें साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और अब साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होने के लिए मैं सबसे सीधी बात आपसे करूंगा, जो आपसे जनरली बहुत कम लोग करेंगे या जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, आप उनकी स्पीच सुनना, वो पहली स्पीच क्या बोलते हैं। सबसे पहली स्पीच जो होती है, आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपको बड़ा अजीब लगेगा कि यार सर मोटिवेशनल क्लास में रिलीजन की बात क्यों कर रहे हैं। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हेलो, आप अगर वो कंटिन्यूस करते आ रहे थे तो कीजिए। सुबह आप उठते हैं या आप 11 बजे उठते हैं या आप सोच के ये चलिए ऑल लेट उठते हैं, उठते ही सबसे पहला वो जो काम होता है ना, आपके फ्रेश होने के बाद, नहाने धोने के बाद की बात कर रहा हूं मैं ना, जो पहला काम होता है वो जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म के साथ अटैचमेंट। आप मोमडन हैं तो आप मोमडन धर्म से जिस जो रिलेट होता है वो चीज कीजिए। आप हिंदू हैं, आरती करते हैं, आप क्रिश्चियन है ना, आप किसी अदर रिलीजन के हैं, जिस रिलीजन से भी आप बिलोंग करते हैं उसके साथ अटैचमेंट, उसके लिए आपको बहुत टाइम नहीं देना है, मन से जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। उससे क्या होगा, गुड एनर्जी अंदर आएगी। और मैं कोई आस्था चैनल का प्रोग्राम नहीं चला रहा हूं आपके सामने कि आपको ऐसा लगे कि यार सर तो है ना, देखो मैंने क्या कहा आपको, बहुत सारी बातें नहीं की मैंने, मैं मेन टॉपिक के फटाफट आ गया हूं। आप जिस चीज में भी उड़ा, जिसमें भी मोटिवेशन चाहते हैं, अगर आप रिलीजन के साथ टच में हैं, आपका मोटिवेशन मिल गया, आपको गॉड का साथ मिल गया, आपने सुबह जो काम कर रहे थे उसमें आप लोगों ने जो भी आपने किया है ना, ये पहली चीज है आपके लिए मोटिवेशन की। स्टडी स्टडी सब बाद में है ना, और इसके लिए आप टाइम बहुत नहीं देना है आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आधे घंटे तक आरती कीजिए, आप आधे घंटे तक नमाज पढ़िए, आधे घंटे तक किसी गिरजा घर में जाइए या आधे घंटे तक आप किसी चर्च में वगैरह में जाइए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं आप लोगों से। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा आप लोग समय देकर, हल्का सा 2-3 मिनट का समय देकर ऊपर वाले के लिए टाइम निकालकर उसे स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप टॉकिंग विद पेरेंट्स, आप पेरेंट्स के साथ टॉक करते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं या उनके साथ बात कर लेते हैं, फोन पर ही बात कर लीजिए, टॉकिंग विद पेरेंट्स। अब आप अगर ऐसा कर लेते हैं कि पेरेंट्स के साथ जनरल टॉक कर लेते हैं, एक और गुड एनर्जी आप में आ गई। अक्सर क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, मैंने कई बच्चों का सुना है, टॉप 10 में जो बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते थे,
इससे हमें बहुत एनर्जी मिली, पॉजिटिव एनर्जी। पेरेंट्स साथ रहना, अब सबके साथ तो ये पॉसिबल नहीं है कि पेरेंट्स साथ हो, है ना, सबके साथ तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि पेरेंट्स उनके साथ हमेशा साथ रहे, है ना। भाई बच्चा झारखंड से पढ़ने आया, उत्तराखंड से पढ़ने आया, बच्चा दिल्ली से आया, फादर मदर बिजी है नहीं आ पाते, ये भी चाहे होता है, बिल्कुल होता है। आप उनसे फोन पे बात कर सकते हैं, आप जितना भी हो सके हफ्ते में डेली, है ना, वन वीक तो एटलीस्ट आपकी बात होना ही चाहिए अपने पेरेंट्स से। वो जो गुड एनर्जी आएगी ना आप लोगों में, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। ये दो चीजें अगर आप में आ गई, उसके बाद नंबर आता है आप लोगों को सारे के सारे आइडिया देने के, हम ये एग्जाम में ऐसा कीजिएगा, एग्जाम में वैसा कीजिएगा, ऐसे तैयारी कीजिएगा, आपको ऐसे तैयारी करना है। ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैं फिर क्या बोल रहा हूं, साइकोलॉजिकली आपको मालूम होगा, मैं जो आपका क्वालिफिकेशन देखिएगा मेरी, तो वहां लिखा हुआ एमएड, एमएड मतलब मास्टर ऑफ एजुकेशन विद एमएससी एंड एमफिल। तो मेरे सब्जेक्ट के साथ मैंने एजुकेशन की टेक्नोलॉजी में कई लेक्चर दिए हैं, कई कॉलेजेस में लेक्चर दिए हैं, जहां बच्चों में किस तरह से मोटिवेशन होना चाहिए उनके लिए हम कई लेक्चर्स देते हैं, मोटिवेशन लेक्चर देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि मेडिकल जो एस्पायरेंट्स हैं उन्हीं को हम लोग दे रहे हैं ऐसे लेक्चर्स। तो आप लोग ध्यान रखेगा, दो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इससे आप लोगों को साइकोलॉजिकली कूल रहेगा, अपने पेरेंट्स के साथ टच रहेंगे, गॉड की दुआ दी जाने वाली जो गुड एनर्जी है वो अपने में रहेगी। और ये दो चीजें है ना, हमें क्या करेंगी, पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगी, और पॉजिटिविटी क्रिएट होने के बाद फिर सब चीजें आती हैं। अब प्रॉपर प्लानिंग के मुद्दे पर आते हैं हम लोग। अब थर्ड नंबर पर आता है कि हमारा प्लानिंग हम किस तरह से करेंगे। और प्लानिंग में देखिए, मैं बड़ा फास्ट चल रहा हूं, ऐसे नहीं कि कोई मोटिवेशनल क्लास है तो बड़े धीरे धीरे हम लोग किसी रिलीजियस चैनल की तरह, है ना, टॉक करे, बिल्कुल स्लोली पंखे की फैन की आवाज आती रहे और स्लोली स्लोली आप वेट करते रहे कब सर इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सब नॉर्मल बात है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप सबके पास वो चीज है जो मैं आपको दे रहा हूं, बस मैं उसको कनेक्ट करना चाहता हूं आपके साथ, ठीक है। तो अब प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करने से पहले आपको हर कोचिंग वाला जो कहता है वो आप में मैं कह रहा हूं, आपको ये चीज फील होना चाहिए कि मैं बेस्ट हूं। हर कोचिंग में अक्सर आपसे कहा जाता होगा कि आई एम द बेस्ट, ये फील कीजिए आप। बिल्कुल मैं भी वही कह रहा हूं, आई एम द बेस्ट ये फील कीजिए आप। अगर मुझे खुद को भरोसा नहीं होगा तो छोटे छोटे काम भी मेरे नहीं होंगे। तो मैं प्लानिंग से पहले भी एक चीज आपसे बोल रहा हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सब बाद में होगी। प्लानिंग तो कई लोग करते हैं, है ना, आज सुबह हम ये करेंगे, कल शाम को हम लोग ये कर लेंगे, हम टाइम पर ये करेंगे, हम वो ये चीज करेंगे, वो चीज करेंगे, प्लानिंग बहुत सारी फेल होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये क्रिएट कीजिए, एग्जाम पास होगा या मे बी नहीं होगा, चांस दोनों है, उस दोनों चांसों के लिए हमें तैयार होना है। कई लोग कहते नहीं हमें तो होना है इसके लिए तैयार रहना है, ये लोग गलत हैं, है ना, ये लोग गलत हैं। आपने एपीजे अब्दुल कलाम का जो कमेंट है वो सुना होगा कि फेलियर हमें सिखाती है कि हमने क्या मिस्टेक की है, उससे हम पास भी होते हैं। ऐसा कोई बंदा है नहीं इसने फेलियर को फेस नहीं किया, ठीक है, कोई बंदा नहीं इसने फेलियर को फेस नहीं किया। हम कई कोचिंग में डेमो देने जाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, कई सालों 17 ईयर से पढ़ा रहा हूं, डेमो देने गए, डेमो देने में उन्होंने क्या पूछा, हमने क्या जवाब दिया, कई बार फ्लैट आउट बाहर निकल कर आए, अगर ये फीलिंग अंदर डाल ली कि आप तो कमजोर हो तो खेल खत्म। ऐसा कौन सा बंदा ऐसा है जो सच बोलता हो, झूठ नहीं, जो सच बोलता हो, सच बोलकर ये बोल दे कि जहां गया वहां सेलेक्ट हो गया, और हो गया तो वेरी गुड, उसमें बुराई नहीं, लेकिन लिमिटेड लोग हैं। और ये लिमिटेड लोग जो है ना, ये लिमिटेड लोग जो है बहुत कम लिमिट में है। तो मोटिवेशन में आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, हां मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, ये दो चीजें हमेशा अपने आप से बोलते रहे और किसी की ना सुने। कई बार ऐसा लगता है जैसे मैं क्लास में हूं, मेरे साथ वाला स्टूडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी की सारी कंसेप्ट वो जानता है, तो वो बड़ी इजी गोइंग में मुझे दिखेगा, तो मुझे ऐसा लगेगा यार वो सब कुछ कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा क्या होगा, है ना, मेरा क्या होगा। तो वो मेरा क्या होगा के चक्कर में क्या होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, मैं कर लूंगा, मैं पालूंगा, सर आप तो खूब कह रहे थे मैं कर लूंगा मैं पालूंगा, मैंने खुद से बोला भी सही, दोस्त के पास गया आधे घंटे बाद ये कॉन्फिडेंस लूज हो गया, वो
उसने तो सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर रखे थे सर, बता रहा था उसने सारे ना बायोलॉजी की कंसेप्ट याद करने की थी, उसका सिलेक्शन पक्का होगा सर। अब उसका पक्का होगा मतलब आप क्या कर रहे हैं उस एग्जाम में, क्या तालीम देने के लिए गए या ओनली अटेंड करने के लिए गए? नहीं गए ना, तो आप लोगों को सिंपल सी बात है, खुद के साथ ये चीज होना चाहिए कि मुझे किसी को देखकर नहीं बिगड़ना है, मुझे खुद के साथ कंपटीशन करना है और मुझे कोशिश करना है कि मैं इतना बेहतर कर सकूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं इतना बेहतर कर सकूं सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद फिर प्लानिंग की बात आती है, और ये प्लानिंग जो होती है सब टीचर्स अलग अलग लेवल में करते हैं, है ना। मैंने देखा है कि कई बार प्लानिंग में 1 आवर्स लग जाता है क्लास बतलाने में, मैं इतना लंबा नहीं खींचना चाहता, जितना भी हो सके मैं जल्दी से इसको एंड करना चाहता हूं और मोटिवेशन की बात भी पूरी करना चाहता हूं। तो आप लोगों ने रिलीजन की बात की, उसके साथ अटैचमेंट होना चाहिए, आप लोग उसके साथ आरती करते हो या नमाज पढ़ते हो या चर्च नहीं जाते हो तो भी वाले को याद कर लेते हो, ये रोज का काम होता है। दूसरी बात, टॉकिंग विद पेरेंट्स या मीटिंग विद पेरेंट्स, ये होना चाहिए। अब मीटिंग तो होने से पॉसिबल नहीं, टॉकिंग तो हो सकती है हमारी, है ना। अब थर्ड बात आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर प्लानिंग लेंगे हम। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम जब बात करते हैं बच्चों, तो वो मैंने आपसे बतला दिया कि वो आप लोगों में है, उसको बस मेंटेन करके चलना है, कभी लूज नहीं करना है, कभी लूज नहीं करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा आप लोगों में है, रहेगा, लेकिन दूसरों को देखने के बाद आप सोचते हो कि नहीं यार वो तो मुझसे बेहतर है ना, तो मैं डाउन रहता हूं, ये नहीं करना है। और मान के चलिए कि आपके लास्ट मंथ चल रहा है एग्जाम का, लास्ट के मंथ में तो कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा ये बात को ध्यान रखें, पेरेंट्स से बात करें, उनसे एक आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट 5 मिनट बात करें एटलीस्ट, और दोस्तों की ज्यादा मित्र मंडली में कम रहे। तू क्या पढ़ रहा है यार, मैं क्या पढ़ रहा हूं यार, तेरा क्या चल रहा है यार, मेरे चल रहा है यार, अरे यार तूने तैयार कर लिया, मेरे तो तैयारी नहीं किया, ऐसी चीजें नहीं, अपने हिसाब से चले, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमको क्या ध्यान रखना है, अब हमको यह ध्यान रखना है कि हमारी प्लानिंग हो गई। अब प्लानिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके आते हैं, हम दो चीजों को प्लानिंग में शामिल करेंगे। एक तो हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, ये प्लानिंग में मेरा पहला आपसे चीज होगी कि टाइम मैनेजमेंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक मैं जो आपसे लूंगा वो कंसेप्ट लूंगा 1 2 3 कंसेप्ट को यूज करूंगा, ये दो मैं प्लानिंग में बात करूंगा आप लोगों से, 1 2 3 कंसेप्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की भी आप देखना ऑनलाइन जाकर बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, कोई टीचर आपसे ऐसा बोलेगा कोई टीचर आपसे ऐसा बोलेगा, सब अपने अपने हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट को बतलाएंगे। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट में ऐसा होता है, आपने अक्सर देखा होगा कई लोग टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, मैं इतने घंटे इस स्टडी करूंगा, इतने घंटे मैं इसकी स्टडी करूंगा, ऐसा मैं करूंगा। टॉपर्स के इंटरव्यू सुनिएगा, वो बोलते हैं 8 to 10 hours हम डेली पढ़ते थे, डेली स्टडी करते थे, ये सब चीजें अपने हिसाब से आती है। टाइम मैनेजमेंट में अलग अलग टाइम हो जाते हैं जो बच्चों के लिए होता है, 8 to 10 hours सफिशियंट होता है, ये हर टीचर आपको यही बोलेगा, हर टीचर 8 to 10 hours पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी सफिशियंट है ना, ये रियल में सफिशियंट है। ये ऐसे बच्चों के लिए है जो शुरू से स्टडी करते हुए आ रहे हैं, है ना, उनको मालूम है कि हमको किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से लेकर चलना है, उन बच्चों के लिए है। अगर आप सोचिए कि अगर आप साल भर मस्ती किए और आप लोगों ने ढंग से पढ़ाई नहीं की, है ना, या तो साल भर मस्ती की है ढंग से पढ़ाई नहीं की, उन लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों को इन आर्ट्स में कुछ प्लस करना होगा। वो 10 to 14 इतना कर रहे हैं, 10 to 14 to 16 इतने आर्ट्स रहते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइम मैनेजमेंट ये कभी भी टीचर्स के थ्रू नहीं होता, ये बच्चे के थ्रू होता है, और ये बिगड़ता है या बनता है ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, आप इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते, है ना। फॉलो करना मस्ट है, अभी तक नहीं किया अब कर लीजिए, जो शुरू से करते हुए आ रहे अपने अकॉर्डिंग वो बेस्ट काम कर रहे हैं। तो अगर इस टाइम को स्प्लिट कर देता हूं मैं, है ना, तोड़ देता हूं अलग अलग के अकॉर्डिंग ले लेता हूं, तो मुझे क्या करना होगा भाई, मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, मैं नीट की बात कर रहा हूं प्री मेडिकल की, केमिस्ट्री एंड बायो। कई बार क्या होता है मैं स्ट्रॉन्ग और वीक के कंसेप्ट पे चलता नहीं हूं,
मैंने बहुत सारे टीचर से सुना है यार ये आपका वीक होगा, ये स्ट्रोंग होगा, ये वीक होगा या स्ट्रोंग होगा। जिस बच्चे के वीक है ना वो बहुत घबराता है, और जहां वीक शब्द लग जाता है ना, वीक वर्ड यूज हो जाता है ना, बच्चा उस चीज से तो फिर भागता है दूर, बहुत दूर भागता है। जहां वीक नाम की चीज लग जाती है ना उसको हाथ लगाने डर लगता है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में तालमेल बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन रखते हैं, कोऑर्डिनेशन रखते हैं, तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने कोऑर्डिनेशन साल भर रखा है, साल भर रखा है, पूरे साल आपने, पूरे ईयर आपने जितनी भी तैयारी की है एक कोऑर्डिनेशन बना के रखा है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर मेरी तो केमिस्ट्री वीक है, सर मेरी तो फिजिक्स वीक है, सर मेरे बायो में तो वीक है, सर है ना, ऐसा नहीं होता सर। बेटा अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे बोलने से मजा नहीं आता। मैं टीचर से भी सुना है कई बार, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होती है, फिजिक्स क्या होती है, वीक होती है, तो बच्चा फिजिक्स पर ज्यादा ध्यान देगा, इतने आर इसको पढ़ना चाहिए, इस फिजिक्स को इतना पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइकोलॉजिकली मिसकंसेप्ट है। हो सकता है कि मेरे फिजिक्स में 3 चैप्टर वीक हो, अब ये वर्ड सही लग जाता है ना। केमिस्ट्री में मेरे 2 चैप्टर वीक हो, बायोलॉजी में मेरे 1 चैप्टर वीक हो, तो यहां मेरे वीक जो वर्ड लगा ना, ये पॉसिबिलिटीज हो जाती है, ये पॉसिबिलिटीज हो जाती है ना, ये बन जाती है। लेकिन कोई बच्चा बोले कि मेरी फिजिक्स वीक है या मेरी केमिस्ट्री वीक है, पूरे ईयर उसने स्टडी कर ली फिर बोल रहा है कि मेरी वीक है, तो ये गलत बात होती है। चैप्टर्स में आप थोड़ा से कमजोर हो सकते हैं किसी 1 या 2 चैप्टर में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब्जेक्ट को अपना वीक बोल दें। सब्जेक्ट को वीक बोलना मीन्स समझ रहे हो ना आप लोग, आप जब भी उस पर हाथ लगाने जाओगे आप पढ़ोगे नहीं। मैंने आपसे अभी टाइम स्पिल्ड कर दिया, और टाइम स्पिल्ड करने के बाद बोल दिया कि आप इस सब्जेक्ट को 4 आवर्स दीजिए क्योंकि आपका ये वीक है, इसको 2 आवर्स दीजिए, इसको 2.5 आवर्स दीजिए, या इसको 3.5 आवर्स दीजिए, या इसको 6 आवर्स दीजिए, या उसको आप 6 दे दीजिए, इसको 1 दे दीजिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि मैंने एक वर्ड बोल दिया आपसे कि जो वीक हो ना उसको ज्यादा टाइम दीजिए, हर टीचर यही कहेगा कि जो वीक है ना उसको ज्यादा टाइम दीजिए, है ना, वो उसकी जगह सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, वो उसकी जगह सही है कि भाई वो ये बोल रहा है कि वीक है तो ज्यादा टाइम दीजिए, और क्या बोलेगा आपसे, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। लेकिन देखो बेटा होता क्या है, अगर ये वीक वाला फंडा लग गया है ना तो वीक चीज पर हाथ लगाने का जी नहीं करता है, डर लगता है फिर उससे, फोबिया, साइकोलॉजिकल ही ऑर्डर है हमारे ब्रेन में। आप समझ सब बायोलॉजी वाले हो, है ना, अपने ब्रेन में ये पॉइंट है जहां हम लोगों को ये चीज महसूस हो गई कि इस चीज से फेयर होता है, वीकनेस महसूस होती है, उस चीज के पास जाने में डर लगेगा, फिर वो साल भर ऐसी ही रह जाएगी, ठीक है, कि बस उसका यूज ही नहीं आएगा। तो मिस कंसेप्ट को नहीं लेके चलता। अब आप लोगों को ये दिख रहा है कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, यहां बायो के 90 क्वेश्चन आने स्पेशली AIPMT या नेट में, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आने, फिजिक्स के 45 क्वेश्चन आने, ठीक है, मुझे 45 क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल भी देखने हैं, यहां पर क्वेश्चन ओनली न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आने जो बायो में नहीं आने, जो बायो में नहीं आने। लेकिन बायो अपने आप में 34 चैप्टर लेकर चल रही है क्लास 11 और 12 के, इन 34 चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट मोड है, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। हेलो, मैं आपसे यह भी नहीं कहूंगा कि मैं केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैंने आपसे कई बार कहा है कि मैं केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता हूं, कुछ भी नहीं जानता नहीं, है ना, काफी जानता हूं। तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं कि अब आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं यह आप पर डिपेंड करना है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में देखिए कि मेरे कहां कितने चैप्टर ऐसे हैं जिनको मुझे बहुत ज्यादा कंसीडर करने की जरूरत है, वीक नहीं है, वीक नाम का वर्ड ही खराब है हमारा, है ना। आप लोगों को यह देखना है कि कौन से ऐसे जो चैप्टर हैं जिनको आपको बार बार देखना है। पूरी फिजिक्स तो ऐसी नहीं होगी ना कि आपकी पूरी वीक हो, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अंडरलाइन करके, अब वीक हो जो वर्ड मुझे बेकार लगता है, केमिस्ट्री पूरी वीक, किसी कोई भी स्टूडेंट अगर ये लेक्चर सुन रहा है तो कोई वो बोलेगा सर मेरी केमिस्ट्री वीक है, मतलब तुमने यार पूरे की पूरे चैप्टर जो है ना वो सब तुम्हारे वीक है, 14 चैप्टर क्लास 11 के और अब 9+7 16 चैप्टर क्लास 12 के सब वीक है केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के 34 वीक चैप्टर वीक का ये सब बोल सकता है नहीं। तो इसलिए साइकोलॉजिकली सोचिए आप, आपको टाइम किसको ज्यादा देना है, जिस पर न्यूमेरिकल आपके आते हैं। अब न्यूमेरिकल किस लेवल के आते हैं,
और कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है वो हमें ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखना है कि जब हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट से पहले हम दो चीजों का ध्यान रखेंगे, एक तो हम लोगों को स्टडी करनी है और एक प्रैक्टिस करनी है। अक्सर एक गलती हो जाती है, हमसे भी होती थी जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम इस चीज का बहुत ध्यान रखते थे कि प्रैक्टिस ना छूट पाए। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम टाइम बना लेते हैं तो स्टडी तो कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस छूट जाती है। जितने ज्यादा आप एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आप लोगों के लिए इजी गोइंग होगा और वो आप जानते हो पैटर्न। उसमें मुझे कोई स्पेशल नहीं बताना, आपने टॉपिक की स्टडी की, कोई भी टॉपिक था उसकी स्टडी की, उसके एमसीक्यू देख लिए, है ना, एक्सरसाइज 1 देख ली, एक्सरसाइज 2 देख ली, एक्सरसाइज 3 देख ली, जितने भी थे जिस भी लेवल के क्वेश्चन थे उस सभी लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, इसमें एक सबर की बात भी है। कई बार स्टूडेंट में क्या होता है, साइकोलॉजिकली ये चीज होती है कि यार मैं फलाना फलाना कोचिंग के जाऊं और उसके एमसीक्यू देख लूं। अब उसको थोड़ा सा अंदर से लगता है यार ये कम पढ़ रहे, मैं एक बुक और ले आता हूं उसके एमसीक्यू और सोल्व कर लेता हूं। फिर से लगता है कि यार नहीं एक बुक और ले आता हूं उसके एमसीक्यू और सोल्व कर लेता हूं। आप किसी भी एक बुक को लीजिए जो आपने टीचर ने प्रेफर की है, जो आपने अपने अकॉर्डिंग सब बेस्ट बुक ले लिए उसके एमसीक्यू सोल्व कीजिए, जो हम लोग आपको करा रहे हैं वो सोल्व कीजिए, है ना, जो आपके पास शीट है उसको सोल्व कीजिए। ज्यादा के चक्कर में हमें क्या चाहिए, एक बुक चाहिए, एक शीट चाहिए कोचिंग की, दूसरी कोचिंग की भी शीट लाए, तीसरी कोचिंग की भी शीट लेकर आ गए, है ना, और उन सबको लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर वो किशोर खेलती बन जाती है खिचड़ी, है ना। खिचड़ी बनने के बाद क्या होता है, फिर हम लोगों को समझ में नहीं आता कि हम करें क्या और क्या छोड़ें। तो अपने दिमाग को, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं साइकोलॉजिकली बोल रहा हूं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे आपके नोट्स प्लस आपकी जो शीट है वो प्लस प्रैक्टिस सेट, और एक प्रैक्टिस सेट सफिशिएंट होता है। बहुत बहुत सारे लेकर आने की जरूरत नहीं है, पहले आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए, काम खत्म। टॉपिक प्लस प्रैक्टिस के दोनों आपको करना है। अब टाइम मैनेजमेंट आपको डिसाइड करना है। मान लीजिए मैंने आप लोगों को 10 आवर्स का बोला, ठीक है, और 10 आवर्स को मैंने बोला कि भाई आप टाइम स्प्लिट कीजिए कि 10 आवर्स को आप किस तरह से डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली बच्चा क्या सोचता है कि यार बायो मेरा इजी है, वो वर्ड सोचता है, या इसी से मैं बोलूंगा नहीं, स्ट्रांग है बायोलॉजी मेरा, बहुत बहुत भयंकर स्ट्रांग है। उस लेवल में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में कहां पर कौन कौन से सब टॉपिक वीक्स है या मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, वो टाइम उस अकॉर्डिंग स्प्लिट करेगा, यानी वो 1-2-3 कंसेप्ट पे चलेगा, 1-2-3 कंसेप्ट पे चलेगा, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट से लोवेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर आएगा। मैं वीक तो नाम लूंगा ही नहीं, है ना, वीक नाम लेते ही साइकोलॉजिकली बच्चे प्रेशर पड़ता है और मैं उस वर्ड को यूज ही नहीं करना चाहता, है ना। तो मैंने 1-2-3 कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया कि यार मेरा ये सब्जेक्ट जो होता है, ये टॉपिक जो होता है या ये चीज स्ट्रांग है तो मैंने ले लिया। जैसे मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, फिजिक्स को मोस्ट टाइम देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 10 आवर्स को भी उन्होंने डिवाइड किया है तो 10 आवर्स में भी से भी 4-5 आवर्स किसको लगा देते हैं, फिजिक्स को दे देते हैं, अगर वो उनके उस लेवल पर आ रही है तो दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन बाकी दो जो बचे हुए हैं उसको आप हाफ हाफ में स्प्लिट करें तो बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं हो कि लास्ट वाले के लिए आप ओनली 1 आवर्स छोड़ दें। तो अगर मैं यहां पर 4-5 आवर्स ले रहा हूं तो यहां पर मेरे पास 2.5 आवर्स और 2.5 आवर्स बचते हैं। एक गलती मत कीजिएगा जो अक्सर बच्चे करते हैं, वो सोचते हैं बायोलॉजी मेरी बहुत कमांड में है तो बायोलॉजी को तो मैं 1 आवर्स ही पढ़ लूंगा चल जाएगा। बेटा जी ध्यान रखिएगा 50% क्वेश्चन कवर होते हैं बायो से, 50% क्वेश्चन बायो से कवर होते हैं, तो उसको अगर आप 1 आवर्स ही दे लोगे तो इतने टीचर बोल देते हैं कि यार आप तो बहुत यू हो, वो हो, ऐसे हो, वैसे हो। स्टूडेंट जो पढ़ता है ना उसको मालूम होता है। तो जो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको आप थर्ड नंबर पर ले जा रहे हो, है ना, टाइम मैनेजमेंट में आप थर्ड नंबर पर किसको ले जा रहे हो, स्ट्रॉन्गेस्ट को। मैं वीक वर्ड कहीं यूज नहीं करूंगा, जो स्ट्रॉन्ग है सबसे ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है थर्ड नंबर पे उसको आप 2.5 आवर्स दे रहे हो, और जिसका आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, है ना,
उसको आप सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हो। अब वो फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, किसी के लिए बायो भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आपको मैं एक पर्टिकुलरली एपीएमसी की टॉपर की बात करूंगा, 2015 का टॉपर था, उसका कमेंट था क्या था, यार मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग थी और मेरी फिजिक्स स्ट्रांग थी ना तो इससे मैंने केमिस्ट्री और बायो भी स्ट्रांग कर ली। बायो वाला बच्चा क्या बोलता है, मेरी फिजिक्स कमजोर है तो सर मैं इसको ज्यादा टाइम दूंगा ना तो ठीक रहेगा। अरे भाई ये कैसे कह सकते हो आप? उस बंदे की बच्चे की जो टॉपर था ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जो उसकी थी है ना, उस बंदे ने क्या कहा था कि मेरी फिजिक्स स्ट्रांग थी, उसी के साथ मैंने केमिस्ट्री और बायो स्ट्रांग की। ये वर्ड वीक नवाब का वर्ड यूज नहीं किया है ना। तो जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग होती है ना उसका दिमाग दो तरफ दौड़ता है, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, फिर उसके लिए केमिस्ट्री और बायो सब कंसेप्ट हो जाती है। अब एक बार सोचिएगा, जब आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको याद आना चालू होता है, सब कुछ समझ में आ रहा है, आपकी जो एनर्जी होती है जबरदस्त होती है। उस टाइम पर आपके सामने कोई सी चीज ला दो है ना, केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल खोल दो, केमिस्ट्री की सीधी कंसेप्ट खोल दो, बायोलॉजी के चैप्टर खोल लो, आप सबको धड़ पढ़ लोगे। जो जो मोटिवेशनल एनर्जी बंदे के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, जब पॉजिटिव एनर्जी होती है ना वो किसी से नहीं डरता। तो मैं आपसे हमेशा यही कहूंगा है ना, प्लीज प्लीज, आपको लग रहा होगा कि सर स्ट्रॉन्ग वर्ड में छुपा रहे, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, प्लीज आप ये वीक वर्ड मत बोलना अपने आप से, कभी मत बोलना। चाहे आप क्लास 11th वाले से मोटिवेशन लेक्चर को सुन रहे हैं, क्लास 12th वाले सुन रहे हैं, या जिनके नीट का एग्जाम होने वाला है 2017 का 2017 का वो सुन रहे हैं, सभी इस बात का ध्यान रखना, प्लीज अपने माइंड में वीक वर्ड लेके मत चलना, क्योंकि ये हम लोगों को क्या कर देता है, साइकोलॉजिकली बहुत नीचे ले जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, टाइम स्प्लिट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो सकता है ना, ये केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो हो सकता है। मैं बायो को थर्ड नंबर पे हमेशा से ले जा रहा हूं क्योंकि मैंने दोनों के लिए सिमिलर टाइम दिया है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि एक सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है कि ज्यादा टाइम देना पड़ता है आपको, बाकी दोनों में तो सिमिलर टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आपने ऐसा किया कि यहां इसका भी टाइम निकाल लिया, देखिए सब ये 2.5 में भी आपने इसका कोई कर लिया 0.5 और इधर ले गया कि क्या जाता है 0.5 इधर ले जाओ, तो आपने 3 आवर्स यहां ले लिया और 2 आवर्स यहां ले लिया, क्योंकि तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है मैं 2 आवर्स में कंप्लीट कर लूंगा, कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, बेकार होता है। आप सब्जेक्ट को बराबर बराबर वैल्यू दोगे ना, उनको कोऑर्डिनेशन बनाए रखोगे तो आपके कंपटीशन में सिलेक्शन के चांस ज्यादा होंगे। तो टाइम की जो स्प्लिटिंग है वो समझ में आ रही है आप लोगों को, सीधा सा आप लोगों को 3 स्टेप में डिवाइड करना है, अपने अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट हायर स्ट्रॉन्गेस्ट से लोअर स्ट्रॉन्गेस्ट तक जाना है और आपको उनके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करना है। और कोई लंबी कहानी नहीं, मैं इसको बार बार रिपीट करूं उससे भी कोई मतलब नहीं है, एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना है, और वो छोटी सी बात क्या है कि भाई मेरे पास जो टाइम का जो मैंने मैनेजमेंट किया है इसमें मुझे दोनों काम करने हैं। मुझको क्या करना है, इस टाइम में मुझे स्टडी भी करनी है और इस टाइम में मुझे प्रैक्टिस भी करनी है, यानी मेरी स्टडी भी होना चाहिए और मेरी प्रैक्टिस भी होना चाहिए। ये दोनों ही मेरे होते रहेंगे तो मुझे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टडी प्लस प्रैक्टिस, स्टडी प्लस प्रैक्टिस, तो ये दोनों चीजों को मुझे प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना है स्टडी प्लस प्रैक्टिस ये दोनों ही होना चाहिए। तो अगर ये दोनों होगा तो बहुत जरूरी है, इस पूरे टाइम मैनेजमेंट में आप स्टडी और प्रैक्टिस दोनों चलेंगे, और प्रैक्टिस से मींस मेरे दो चीजों से, एक तो एमसीक्यू को सोल्व करना है ना, एमसीक्यू को सोल्व करना, और एक मेरी चीज और आपसे बोलता हूं, देखो रिवीजन जो होता है ना वो बहुत मस्त होता है। आपने स्टडी कर ली, थोड़ा सा आप एक काम कीजिए, सोना मत, आराम से उस टेबल पे आंखें बंद करके आप सोचिए कि आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपको क्या क्या याद हो गया। ऐसा होगा जैसे मान लीजिए आपने ये समझ के 10 टॉपिक्स पढ़े, 10 टॉपिक्स को पढ़ने के बाद रिवाइज कर रहे हो, माइंड में रिवाइज कर रहे हो है ना, तो हो सकता है कि आपको 1-2 टॉपिक याद नहीं आए, तो फिर से आपने दोबारा देख लिया। तो ये बहुत जरूरी है, आप उस प्रैक्टिस के दौरान मन में ही अपने माइंड में ही रिवाइज करें उस चीज को, तो उससे क्या होता है आपको मेंटली उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। आप पेपर जब सोल्व करेंगे, 3 आवर्स का पेपर होगा हमारा, वहां पर भी तो साइकोलॉजी काम आएगी, आपने पढ़कर दिया कितना ज्यादा आपके माइंड में चीज गई, और गई मींस क्या होता है,
जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज उस प्रैक्टिस के दौरान एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने के दौरान उससे पहले जो जो पढ़ा आप लोगों ने उसको रिवाइज कीजिए माइंड में। मैं फिर बोल रहा हूं साइकोलॉजिकली फर्क पड़ेगा, साइकोलॉजिकली फर्क पड़ेगा। यानी हम लोगों को सीधा सा एक बात ध्यान रखना है, स्टडी रिविजन माइंड में एंड प्रैक्टिस, स्टडी रिविजन प्रैक्टिस, एसआरपी कंसेप्ट को लेके चलना है, स्टडी रिविजन प्रैक्टिस, स्टडी रिविजन प्रैक्टिस। और रिविजन के लिए वो किसी शीट पे लिखने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड में आप उस चीज को सोचिए, ये आप लोगों के लिए बेस्ट। जितना आप सोचेंगे ना तो बायो के 90 क्वेश्चन सोचने से सॉल्व हो जाएंगे, केमिस्ट्री के 45 में से, मैं फिर बोल रहा हूं गारंटीड बोल रहा हूं, 30 क्वेश्चन आपके सोचने से सॉल्व हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, वहां भी कंसेप्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं आते कि कोई बहुत ज्यादा कोई बहुत दूर ले जाके आंसर सोल्व करवाना हो। तो जितना आप मेंटली सोचेंगे उस चीज को उतना ही एग्जाम के वो 3 आवर्स में आपको जल्दी याद आएगा आंसर, है ना। तो इस एसआरपी कॉन्सेप्ट को आप इसमें भी ध्यान रखेंगे, इसमें भी ध्यान रखेंगे, इसमें भी, यानी भी जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है फिजिक्स या केमिस्ट्री उसके साथ एसआरपी लगानी है आपको। यहां भी आपने जो फिजिक्स केमिस्ट्री यूज किया है उसके साथ भी एसआरपी लगानी है, और बायो के साथ भी एसआरपी। बायो में आपकी एसआरपी बहुत जरूरी है क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के लिए एसआरपी कॉन्सेप्ट बहुत काम आती है, ठीक है। अब देखिए मुझे टाइम नहीं मालूम, कैमरामैन सर को टाइम मालूम है, इतना टाइम तो हमारा हो गया है कि हम लोगों ने एक चौथे नंबर पर प्लानिंग कर ली है साहब, है ना, हमारी प्लानिंग तो हो गई है। और प्लानिंग में पहला काम हमने कर लिया कि टाइम का स्प्लिटिंग कर लिया, और कुछ ज्यादा मैं नहीं खींचना चाहता इसको, टाइम की स्प्लिटिंग को भी आप समझ रहे। चलिए इतना होने के बाद अब आप क्या चाहेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूं आप लोगों से, अब आप क्या चाहेंगे। एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर अब हमारा जो सब्जेक्ट है ना उस सब्जेक्ट को हम कैसे अरेंज करें। मैंने अभी आपसे कहा था कि एक एंट्रोपी वाली बात आप लोगों से की जाती है कि भाई एंट्रोपी जो होती है वो एंट्रोपी में क्या होता है, हर चीज मिसमैनेज होती है, अनडिस्टर्ब्ड हिंदी में लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, है ना, कोई चीज इधर बिखरी उधर बिखरी उधर बिखरी है, तो एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा होती है। हम बायो में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में हम लोग जिस एंट्रोपी को समझ रहे हैं, जिस चीज को समझ रहे हैं, मैनेज करना है उसे, है ना, हर चीज मैनेज करना है। बच्चे मुझे कई मिलते हैं सर अब कैसे पढ़े, कई मुझसे मिल जाते हैं तो बोलते सर तैयारी कैसे करें अब, तो वो चीज आ जाती है। तो उस चीज के लिए आपको एक काम करना है, 1-2-3 कंसेप्ट आपको लगानी है, ठीक है। और 1-2-3 कंसेप्ट में मैं आपसे बोल सकता हूं कि 1 कंसेप्ट जो होती है आपकी ये है कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आपका टॉपिक जो है वो 1 में ले लीजिए आप, ठीक है। उससे मीडियम स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है उसको आप सेकंड नंबर पे रखिए, और जो लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है उसे थर्ड नंबर पे रखिए। कई बार लोग बस सोच सकते हैं लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अच्छा वर्ड नहीं लगता, है ना, मैं वीक से बचना चाहता हूं, बच्चों के माइंड में वीक छोड़ना चाहता, मैं मॉडरेट भी नहीं छोड़ना चाहता। हम लोग जब सॉल्यूशन कराते हैं ना बच्चों को नीट वगैरह के, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडरेट, है ना, और वीक में हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, वो डिविजन ही गलत हो जाता है, साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट करता है बच्चों पर। इजी बोल सकते हैं हम लोग उससे, इजी हम बोल सकते हैं, वीक वर्ड बहुत बच्चों के लिए एक जो होता है साइकोलॉजिकली बीमार करने वाला वर्ड है, तो उस वर्ड को कभी नहीं बोलूंगा आप लोगों से। तो आप लोग 1-2-3 कंसेप्ट को लेकर चले, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, मीडियम स्ट्रॉन्गेस्ट आप बोल सकते हैं M1S, और लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, ये 1-2-3 कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो पर। सपोज कीजिए, देखिए फिजिक्स में मैं नील बटा सन्नाटा हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है वो बतला दूंगा। केमिस्ट्री और देन बायो, बायो मेरा सब्जेक्ट है, मेन है, तो मैं उसकी तो आपसे स्पेशल बात करूंगा ही सही, लेकिन इस कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करना किस तरह से है वो देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, जैसे बायो में 34 चैप्टर है ना, क्लास 11 में 22 चैप्टर है, और क्लास 12 में कितने चैप्टर है टोटल 16 चैप्टर है, तो हमारे लोगों के नंबर्स ऑफ चैप्टर कितने हो जाते हैं, 14 11 12 14 14 13 14 16, टोटल 34 का हिसाब बनता है हम लोगों का, ये 12 के हिसाब से 34 चैप्टर का हिसाब बनता है हम लोगों का।
अब इन चैप्टर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। क्लास 11 में 22 है ना, क्लास 11 के अकॉर्डिंग और 12 की जो चैप्टर हम लोगों के हैं उस तरह से 34 बड़े कंसेप्ट से बन जाते हैं। अब इन चैप्टर को लीजिए, केमिस्ट्री में क्लास 11 में कितने हैं, बुक फर्स्ट में है हम लोगों के 7 और बुक सेकंड में भी 7 है, 14 तो एवरेज मुझे कंफर्म नहीं मालूम इसमें है। क्लास 12 में 9 चैप्टर तो फर्स्ट पार्ट में है और 7 आप लोगों के सेकंड पार्ट में है, तो 16 यहां पर है। एवरेज आप लोगों के कितना हो गया, ये 30 चैप्टर ये हैं, है ना। जितने भी चैप्टर्स के नंबर है फिजिक्स में आई डोंट नो कितने हैं, तो मैं चैप्टर के नंबर आप लोगों को नहीं याद करवा रहा हूं। एक सीधी सी बात ध्यान रखिए, इस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है, ये आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपके लास्ट टाइम चल रहा है एग्जाम का, तब भी इसको अप्लाई कर आप लोग यूज कर सकते हैं। सबसे सीधी बात, आप लोगों ने देखा कि भाई फिजिक्स में मेरा चैप्टर 9 10 फर्स्ट थर्ड 11 कैसा है, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है। कैसा है, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब मैं हर चीज जानता हूं साहब इसमें, कुछ ही पूछ लीजिए आप, कहां से पूछना है, कौन सा एमसीक्यू सोल्व करवाना है मैं बता दूंगा। सपोज कीजिए यहां पर वही कंसेप्ट लगा दिया हमने 1 3 9 10 11, ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है। किसा 34 चैप्टर यहां पर है और ये 12 बीच की चलिए 13 भी लेके चलिए। यहां सर जो बायो है, बायो में मेरा सर जो 10 यूनिट्स हैं, मैं यूनिट्स को ले लेता हूं या चैप्टर्स को भी ले लेता हूं मैं, कि सर 34 चैप्टर्स में मेरे 20 चैप्टर जो हैं, ये 12 चैप्टर जो हैं, या सपोज कीजिए 15 चैप्टर जो हैं, वो 15 चैप्टर मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हो गए सब आपके, तो आपको इनमें जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, यही मान के चलते हैं हम लोग, जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। अब आप लोगों के पास कौन से चैप्टर बचते हैं, अब चैप्टर बचते हैं आप लोगों के पास रेस्ट ऑफ चैप्टर। अब रेस्ट ऑफ चैप्टर में आपको लगता है कि सर मॉडरेट स्ट्रॉन्गेस्ट अगर मैं देखता हूं, यानी ठीक ठाक है, बेहतर है, उसमें एक दो टॉपिक ऐसे जो मुझे नहीं आते है ना, वो सपोज कीजिए कि यहां पर इतने चैप्टर्स में है, तो टोटल जितने भी चैप्टर हैं उसमें मेरे 4 चैप्टर ऐसे हैं जो M1S में आ रहे हैं, मतलब मॉडरेट स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर मैं एक दो टॉपिक की ओर मेहनत कर लूंगा ना, एक दो टॉपिक की ओर मेहनत कर लूंगा तो तैयारी हो जाएगी। तो ये अपने इसमें आपने बोला कि सर हाँ यहाँ टोटल जो चैप्टर आपने देखे अपन लोगों ने कि भाई 11th में अब लोगों की 16 है और 14 हमारे 11th में है, 16 12th में है, तकरीबन 30 चैप्टर्स में, मेरे 30 चैप्टर में जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है वो तो कितने हैं, 30 में 15 तो ऐसे हैं सर, है ना। लेकिन जो मेरे बच्चे चैप्टर होते हैं 7 या 8 चैप्टर जो मेरे हैं वो कैसे हैं, M1S है। चलिए ये मान के चलते हैं। और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ चैप्टर बचते हैं, जितने भी रेस्ट ऑफ चैप्टर बचते हैं वो कैसे हैं, वो सर थोड़े से है ना लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट से थोड़ी सी मेहनत ज्यादा मांगते हैं, ठीक है। यहां पर भी ऐसे ही आपने M1S निकाल ली कि ये चैप्टर मेरे M1S में आते हैं और ये LS में आते हैं, ऐसे भी यहां पर भी आपने LS के चैप्टर भी निकाल ली। करना क्या है, ये हर बच्चे के साथ होता है, हर बच्चे के साथ होता है, लेकिन उसको एग्जाम से पहले ये बात अगर मालूम पड़ जाती है ना, उस तरह से कैटेगराइज कर लेता है एग्जाम से पहले। ये नंबर्स हर स्टूडेंट के साथ वेरी करेंगे, है ना, हर स्टूडेंट के साथ वेरी करेंगे। मैं मॉडरेट स्ट्रॉन्गेस्ट में उनको ले रहा हूं जिनमें बच्चों के 1 या 2 या 3 या टॉपिक ऐसे हैं जो तैयार नहीं है, 2 या 3 टॉपिक ऐसे हैं जो उसको नहीं आते, बस ये उसके मॉडरेट स्ट्रॉन्गेस्ट है, मॉडरेट स्ट्रॉन्गेस्ट में आते हैं। और जो उसके लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट में है उस कैटेगरी में ऐसा है कि उसको 2 या 3 टॉपिक्स ही आते हैं, बाकी उसके सब कुछ गायब है, सब कुछ गायब है, बस वो जानता है 2 या 3 टॉपिक्स के बारे में जानता है। तो अब आपके पास जो कैटेगरी बची है उसकी तैयारी कैसे करोगे, आपको जंप लेना है, 3 कैटेगरी से 2 पर आना है और 2 से 1 पर आना है। अगर आप एग्जाम से पहले तैयारी कर लिए तो आपके जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें और आपके प्लस होंगे, क्वेश्चन जो छूटने वाले थे या रॉन्ग होने वाले थे वो भी आप लोगों के तैयार हो जाएंगे इस कैटेगरी से। तो आपको करना क्या है बच्चों, इस 1 2 3 कॉन्सेप्ट्स में 1 2 3 टॉपिक्स जो होते हैं कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये तो मालूम पड़ गया कि यार मेरे 3 टॉपिक कमजोर है, हम ऑनलाइन क्लास किस लिए लेते हैं,
आपको जो क्लास, जितने बच्चे इटूज के साथ कनेक्टेड है उनको सिंपल सा ही काम करना है। आपके पास जो फैसिलिटी अवेलेबल है किसी के पास अवेलेबल नहीं। टीचर को आगे कीजिए, पीछे कीजिए, आगे देखिए, पीछे रिवाइज कीजिए, और जो टॉपिक ज्यादा देखना है उसको बार बार पढ़ लीजिए। आपके पास पेन ड्राइव में है, जैसे भी है, मोबाइल में आपके है, जैसी वीओडी अवेलेबल है, जैसी भी सीडी है, डीवीडी, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। आपको लगता है, मान लीजिए आपने टीचर का कोई टीचर का टॉपिक परचेस कर लिया फिजिकल केमिस्ट्री में, या फिर आपने कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कमेंट कर लिया, या आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कोई टॉपिक देख लिया जो आपको नहीं आ रहा है, या बायो में कोई, मान लीजिए आपको रेस्पिरेशन समझ में नहीं आ रहा है, या कोई दूसरा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उन टॉपिक को भी आप आराम से एसएलसी पर जाकर परचेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां से देख सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं से अपने रिसोर्स से यूट्यूब पर जाकर कहीं ना कहीं आप उन टॉपिक को देख सकते हैं। एज ए टीचर आपके साक्षात सामने आ जाएगा और आपको टॉपिक तैयार करा देगा। कम से कम दिमाग में साइकोलॉजिकली ये बात नहीं रहेगी, यार मेरा वो सब्जेक्ट वीक है, मेरा वो टॉपिक वीक है। और जिस बच्चे के दिमाग में ये बात नहीं रहेगी, पेपर के दिन, एग्जाम के दिन मेंटली तैयार होकर जाएगा। सबसे पहली चीज यही है कि वो स्ट्रॉन्गली जाएगा मेंटली तैयार होकर, हाँ यार मुझे आता है यार, ये सोच के जो जाता है ना उसका आधा काम तो हो गया। तो वो उसकी कितनी नॉलेज है, कितनी स्टडी की है उसने, उसके ऊपर दूसरी चीज आती है। यानी आप अपने M1S से MS कैटेगरी में चले जाएंगे और आपके पास लास्ट कैटेगरी बचेगी, कौन सी? लिस स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपको 2-3 टॉपिक्स ही आते हैं, बाकी नहीं आते हैं। इसका दो ही रामबाण इलाज है, वो देखते हैं, रामबाण इलाज सुनते होंगे आपके इसमें, दो ही रामबाण इलाज है भाई, इसके दो ही ट्रीटमेंट है इसके। एक तो केबीसी में फोन ए फ्रेंड था, कहते ना हर दोस्त कमीना होता है, लेकिन वो कमीना कभी कभी काम भी आता है। होता क्या है, जो चीज हमें नहीं आती है जरूरी हमारे दोस्त को भी नहीं आए। अगर वो हमारी कैटेगरी का नहीं, वही मस्ती से मूवी देखने हमारे साथ जाता था और दिन में हम उसे हमारे साथ ही घुमाते लेते थे कि तू मत पढ़ यार, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूं, ऐसी कैटेगरी का नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, इस लास्ट कैटेगरी के लिए अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी है, ठीक है? फ्रेंड्स हेल्प लीजिए, आप प्रॉब्लम काउंटर में जाइए, आप हमारे इटूस की एसएलसी में जाइए आप, और उन एसएलसी में जाकर आप देखिए उन टॉपिक्स को बार बार देखिए। एसएलसी में सब आपको छूट होती है, क्या देखना है, किस तरह देखना है, कोई सा भी टॉपिक आप देखिए, बार 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 पढ़िए आप अपने प्रॉब्लम काउंटर। हम लोगों का चलता है उस प्रॉब्लम काउंटर पे, जो होता है डाउट क्लिनिक होता है, डाउट क्लिनिक पर जाकर भी आप क्वेश्चन को पोस्ट कर दीजिए, आपको आंसर तो मिलेगा। बार बार पोस्ट कीजिए, अगर सेटिस्फाई नहीं होते कि हम सेटिस्फाई नहीं हो, दोबारा दीजिए, है ना, तो दोबारा आपको उसका सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन आंसर मिल जाएगा। यानी एग्जाम से पहले मेरे पास आंसर आ जाएगा, कैसे सोल्व करना है वो चीज मेरे पास आ जाएगी। और ये चीज मेरे पास आ गई तो कम से कम में इस LS कैटेगरी से कहां जंप मार गया MS कैटेगरी से, अब मेरे पास पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें इकट्ठी हो चुकी है। मैं एग्जाम के टाइम 2 कैटेगरीज को लेकर जा रहा हूं, MS और M1S, है ना। मैं मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और मॉडरेट स्ट्रॉन्गेस्ट बन के जा रहा हूं। मेरे पास इस नाम का कोई वर्ड है ही नहीं जो W से मुझे परेशान करेगा, है ना। मेरा साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस बना हुआ है। और देखो मैं यूं नहीं बोल रहा हूं, सर कहीं तो बोलते रहते हैं, करना अलग बात होता है सर, एप्लीकेशन अलग होती है, बोल तो कोई भी दे, ऐसे कर लो वैसे कर लो। अरे भाई मोटिवेशन में बोलना ही तो होगा, है ना। मैं आपके साथ एग्जाम देने तो नहीं बैठ सकता ना, ये पॉसिबल है क्या? जो जैसे होता है वैसे होता है। कोई बंदा बोल रहा है यार इतना बड़ा रेस्टोरेंट है 5-star कॉफी पिला रहा है 230 की या 500 की कॉफी पिलाएगा साहब आपको? आपको 5 rupees की पीनी वही पी लीजिए। आपको पीने ड्रिंक लेने गए हो ना, पीने गए हो ना, कॉफी पीने गए हो आप, तो वो कॉफी नीचे आपको 10 rupees की मिल रही है, 20 rupees की मिल रही है, वहां 500 की मिल रही है, है ना, पीना जाने जा रहे हो। ऐसे अगर मोटिवेशन देना है आपको तो मोटिवेशन में यही बात की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मोटिवेशन जो आपको दे रहा है वो आपके साथ एग्जाम में चला जाएगा ना, हर मोटिवेशन में यही होता है। आपको कुछ अच्छी बातें की जाती हैं, आप अगर अप्लाई कर लेते हैं तो बेस्ट, अगर आपका इससे भला हो जाता है तो बढ़िया है, वरना यूट्यूब आपके पास है, नेक्स्ट चैनल पास कीजिए, खत्म। मैंने कई बार आपसे कहा है, क्या जो चीज हमारा भला कर दे, थोड़ा सा ही भला कर दे वो हमारे काम की है, थोड़ा सा प्रॉफिट दे दे, एग्जाम में हमारे 2 questions सोल्व कर दे, 4 questions को सोल्व करवा दे, हमारे दिमाग में वो स्प्रिंट करा दे कि हाँ यार मैं कर लूंगा यार, मुझे मोटिवेट कर दे, मैं निकाल दूंगा यार, वो चीज सब काम की होती है। और ये दो चीजें ही मेन है, टाइम का स्प्रिंटिंग कैसे करना है
मुझे पेपर से तैयारी से पहले क्या करना है भाई, मेरे पास की जो मैथ स्टडी मटेरियल है वो तैयार कैसे होना है, ये दो चीजें आपकी मेन है। उसके बाद तो फिर हमारी पेपर की प्लानिंग चलती है। तो पेपर की प्लानिंग के लिए मैं आपकी उड़ान की नेक्स्ट क्लास लगाऊंगा, जहां नेट को कैसे क्रेश करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है जो आप लोगों को प्लानिंग के साथ ध्यान देनी होती है। अब आप एक चीज पर ध्यान दीजिए, ये सब हमने प्लानिंग के नजरिए से बात कर ली है ना। अब एक छोटी छोटी बातें जो आप लोग देखना, जो बहुत जरूरी है आपसे करना, और उसके बाद ये क्लास में हम लोगों को और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोगों को किस बात का ध्यान रखना है पेपर के टाइम, अब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। हम लोगों ने हमारे रिलीजन्स की बात की, उसके साथ जुड़ना जरूरी है, हमें पेरेंट्स के साथ टॉकिंग करना जरूरी है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और नॉर्मली नहीं है तब भी होना चाहिए, यार मैं तो बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं। अक्सर क्या होता है, कई बार अपन लोग अपने घर में देखना किस तरह से होता है, मैं भाई हूं तो मैं आराम से आईने के सामने खड़ा हुआ और हीरो बन के जा रहा हूं, मेरी बहन बोलती है कि अरे अच्छा तो लगता ही नहीं फालतू क्यों बन रहा हीरो, लेकिन मैं मानता नहीं हूं, फिर भी मैं आराम से स्टाइल में हीरो बना के बाल बाल जमा के जाऊंगा, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं अच्छा लगता हूं, चाहे नहीं लगते हूं, लेकिन तुम देखना जितने भाई लोग होते हैं उन सब में, मैं बहन के भाई की बात कर रहा हूं ना, जितने भाई लोग होते हैं उन सब में होता है मैं बहुत हीरो लगता हूं, वो अब तक तुम्हें इतना सा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार मैं अच्छा लगता हूं या मैं अच्छी लगती हूं, मैं लड़कियों के बारे में नहीं बोल रहा, ज्यादा जानता नहीं हूं, है ना, मैं अच्छी लगती हूं, तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस होता है तो कब अपने आप से ये नहीं कह सकते कि यार हम अच्छे पढ़ने में, जब आपका चेहरा भी ठीक ठाक है तब भी आप मान लेते हो कि मैं बहुत अच्छा लगता हूं, है ना, या अच्छी लगती हूं, तो तुम ये अपने आप से नहीं कह सकते या अपने आप को इतना बिलीव दे सकते कि मैं पढ़ने में भी अच्छा हूं, दिलाइए, क्योंकि ये चीज आपको आगे बढ़ाएगी कि मैं अच्छा हूं, ये चीज बिलीव हो जाएगा तो बेस्ट है। सेकंड नंबर हमारा हो गया, इसके बाद प्लानिंग का नंबर बाद में आता है, हमने टाइम स्पेल्टिंग को बतला दिया, वहां वीक वर्ड मत यूज कीजिएगा प्लीज, है ना, वीक मत यूज कीजिएगा, मैंने बोल दिया आप लोगों से। सेकंड चीज आप लोगों को 1-2-3 कंसेप्ट लगानी है अपने पूरे चैप्टर्स को, नंबर ऑफ चैप्टर जितने भी चैप्टर्स नंबर ऑफ चैप्टर्स क्लास 11th और 12th में है, मैंने आईडिया से बोले है, अगर गलती हो गई तो सॉरी, है ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स का तो मुझे मालूम भी नहीं है, है ना, मैं आईडिया चैप्टर्स के नंबर्स बोल दिए आप लोगों से, उन चैप्टर्स को आप 1-2-3 कंसेप्ट में डिवाइड कर लीजिए और देख लीजिए कि आप उस तरीके से अपने फ्रेंड के जरिए या अपने टीचर के जरिए आप लोगों को लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट से मॉडरेट स्ट्रॉन्गेस्ट में आना जरूरी है, मस्ट है। आपके पास लीस्ट थ्री वाले जो स्टेप्स है उसमें किसी को नहीं रहना है। अब आप नॉर्मली चलिए, छोटी सी बात और करनी है, आप किसी भी 1-2-3 जो टॉपर्स होते हैं ऑल इंडिया रैंक वाले, उसकी एक जनरल टॉक सुनिए, सुना कीजिए, अच्छी बातें हैं। आपने देखना हमारी केमिस्ट्री में, बायो में, फिजिक्स में साइंटिस्ट की फोटो दे रखे, पिक्चर्स दे रखे हैं उनके, क्यों दे रखी साहब, क्या जरूरत है? कई बार उनको देखकर मोटिवेशन आता है, यार ये साइंटिस्ट बने, इन्होंने ये काम किया, इनकी ये लाइफ साइकिल रही थी, इन्होंने ऐसा ऐसा किया, सुनने से अच्छा लगता है ना। जैसे हम महात्मा गांधी के बारे में आप इतना ने सुने, हमने खूब आपने सुना है, सॉरी, हमने महात्मा गांधी की जब लाइफ साइकिल पढ़ी, उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी है ना, और उनके बारे में पढ़ा, तो अंदर से एक मोटिवेशन आया, एक बंदे ने यार कैसे, इतना दुबला पतला इंसान था, कैसे उसने यार फाइट कर लिया होगा। सब अपनी जगह पर है, भगत सिंह जी अपनी जगह है, सुभाष चंद्र जी बोस अपनी जगह पर है, लेकिन जब इंडिया की फ्रीडम की बात आती है ना, तो इन बंदों की जो कहानी पढ़ते हैं ना, तो जोश आता है अंदर, है ना, अंदर से इंडियन जो होता है वो जाग जाता है, और एक पतला दुबला भी एक पसली इंसान भी सोचता है कि हाँ मैं ताकतवर हूं यार, तो वो चीज आती है। अपने पास भी एक चीज है, टॉप 10 की जितने की भी इंटरव्यू देखिए आप, वो क्या क्या कहेंगे आपसे, वो पेरेंट्स की कहेंगे आपसे, कि हम पेरेंट्स के साथ टच में रहे, हमारे पेरेंट्स हमारे पास आ गए या हमसे कॉन्टेक्ट करते रहे, हम रिलीजियस भी रहे, गॉड गुड अच्छी एनर्जी देता है हम लोगों को, गुड एनर्जी देता है ना। फिर वो आपसे क्या बोलते हैं कि आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको प्रॉब्लम एरियाज के बारे में मालूम होना चाहिए। मेरी प्रॉब्लम कहां पर है, मैं वीक नहीं बोल रहा हूं, मैं वीक कहां हूं ना, ये वर्ड बहुत खतरनाक है, प्रॉब्लम कहां है, मेरे प्रॉब्लम एरियाज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कहां है, ये आपसे जरूर बोलेगा, हर टॉप बच्चा आपसे ये जरूर बोलेगा कि हर स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए कि उसका प्रॉब्लम एरियाज कहां पर है, और प्रॉब्लम एरियाज अगर उसे मालूम है तो फिर वो क्या होगा,
लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट से मोडेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी में जल्दी आएगा, है ना, फास्ट आएगा वो, तो उसको ये पूरी तरह से मालूम होना चाहिए। एक स्ट्रेटजीज फॉर पेपर, जब वो पेपर देने जा रहा है तो एक बिल्कुल ऐसा होकर नहीं जाएगा ब्लैंक होकर, उसे टोटली मालूम होना चाहिए कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में क्या अटेंड करना है। टीचर बड़े स्ट्रॉन्गली बोलते हैं कि बायो के 90 क्वेश्चन आते हैं पहले अटेंड करना, केमिस्ट्री के 45 उसके बाद कर लेना, और फिजिक्स के 45 उसके बाद कर लेना। मैक्सिमम टीचर यही बोलेंगे आपसे, फिर वो आपको और भी ज्ञान बांटेंगे कि इस 90 क्वेश्चन को 52 आवर्स में कंप्लीट कर लेना, सॉरी मैं बहुत ज्यादा गलत बोल गया, है ना, मिनट में कवर कर लेना, है ना। तो इसको एक रेंज दे देते हैं कि 52 मिनट्स में या 60 मिनट तक अगर आप इसे कवर कर लेते हो तो बहुत बेस्ट रहता है 90 क्वेश्चन को, ताकि बाकी बचा हुआ टाइम आप केमिस्ट्री या फिजिक्स को दे सकते हो। लेकिन मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप पहले फिजिक्स अटेंड कीजिए, केमिस्ट्री अटेंड कीजिए या बायो अटेंड कीजिए। हर बच्चे की एक अलग स्पेशलिटी है, उस स्पेशलिटी को मैं गायब नहीं करना चाहता। मान लीजिए किसी बच्चे को न्यूमेरिकल करना पसंद है, वो बहुत जल्दी फिजिक्स को समेट लेता है, और मैं उसके दिमाग में एक बात डाल दूं मोटिवेशन में कि तुझे बायो पहले करनी है, मैं उसके लिए गलत कर रहा हूं, है ना, मैं गलत कर रहा हूं, है ना। किसी बच्चे की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है और बायो बहुत स्ट्रांग है, वो उसमें मैक्सिमम अच्छा कर सकता है, तो उसे वही करना चाहिए। किसी बच्चे की फिजिक्स जबरदस्त स्ट्रांग है, केमिस्ट्री जबरदस्त स्ट्रांग है, वो जल्दी कर सकता है, है ना। बायो तो स्ट्रांग है उसकी, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का कोऑर्डिनेशन गजब का है, आपको डिसाइड करना है। मैं उसमें नेता नहीं बनूंगा कि इसको पहले करें, इसको पहले करें, इसको पहले, जो स्ट्रांगेस्ट है उसको पहले करें, वीक पर बाद में जाए। हम वीक को पहले पकड़ेंगे, ये बड़ा गया ना वीक, देखो वीक पे आ गया ना वीक, हम लोगों के दिमाग में गुस्सा हुआ बढ़े और जितना इसको निकाल लेंगे ना उतना ही बढ़िया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब एक और बात हो जाती है, एक सिंपल सी बात होती है, डे बिफोर एग्जाम क्या किया जाए। डे बिफोर एग्जाम ये बहुत ज्यादा खास टाइम होता है, डे बिफोर एग्जाम क्या किया जाए। हर टीचर आपसे बोलेगा कि आपके जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक को आप रिवाइज कर लीजिएगा। मैं डे बिफोर आपसे बोलता हूं कूल रहिए, डे बिफोर एग्जाम कूल रहिए। आपने पढ़ने वाला काम कर लिया, अपने पेरेंट्स से बात जरूर कीजिएगा, है ना, फ्रेंड्स से नहीं बोल रहा हूं, ओनली पेरेंट्स से। और जो रिलीजियस मैंने आपसे कहा है, यूं नहीं कि कल मेरा एग्जाम है तो मैं अगर ढोक लूंगा या मैं नमाज पढ़ूंगा या मैं चर्च में जाऊंगा तो मेरा पेपर अच्छा जाएगा, गुड एनर्जी आएगी, है ना। डे बिफोर एग्जाम में हमेशा देखिएगा पेरेंट्स से बात करना, आप जितने मिनट कर सकते हैं कीजिए, है ना, जो आपके लिए सफिशिएंट हो। आप जो भी धार्मिक काम करते हैं उसको थोड़ा सा जरूर कीजिए, जो मैं हमेशा रोज रोज बोल रहा हूं, डेली बोल रहा हूं मैं तो आपसे, है ना। तो आप ये दो काम जरूर करें, इन दो कामों से पॉजिटिव एनर्जी आएगी और कूल रहे, कूल रहे। जितना आप कम डे बिफोर एग्जाम टच में रहेंगे बुक से उतना ही ज्यादा दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्यों, क्यों उस दिन अगर आप रहेंगे तो साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर हो जाएगा आपके ऊपर कि क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं। आपको लगेगा फिजिक्स में ही पढ़ लूं, केमिस्ट्री में पढ़ लूं, बायो में पढ़ लूं, ये बच रहा है ये पढ़ लूं, ये पढ़ा ये बच लूं, ये पढ़ लूं, फिर वो लगता नहीं है। फिर हम उलझ जाते हैं और 100 सब पढ़ने की कोशिश करते हैं और हमारा माइंड चौक हो जाता है और एग्जाम के दिन फिर हम परेशान होते हैं, ठीक है। तो ये डे बिफोर एग्जाम के लिए हमेशा ध्यान रखना, मैं साइकोलॉजी के लिए आपसे बोल रहा हूं कि भाई आपके पोजीशन ये होना चाहिए कि उस दिन आप इसकी ध्यान रखें। और एक छोटी सी चीज जो मैं कॉमन क्लास में बोल रहा हूं, भाई एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को आप मेन मान लीजिए। मैंने आपसे एक मजाक में भी कहा था कि एक फिल्म थी सलमान खान की बंधन, वो बोलता था कि जो जीजाजी बोलेंगे मैं वही करूंगा, है ना। आपने नहीं सुनी होगी, मैं थोड़ा फिल्मी हूं तो थोड़ा सा मैं फिल्मों के बारे में ध्यान रखता हूं। आपको टीचर कुछ भी बोले, कई बार क्या होता है मैं सुनता हूं, मेरे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं फलाना फलाना कोचिंग गया, सर सामने तो करते हैं जो एनसीईआरटी में होते हैं ना उससे बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं एक्स्ट्रा, और बाद में बोलते हैं यार कोचिंग का डायरेक्टर डांटता है ना तो हमें यह करना पड़ता है ज्यादा पढ़ाना पड़ता है, तो आप तो वही पढ़िए जो एनसीईआरटी में दे रखा है। ये तो हम इसलिए पढ़ा देते हैं कि कोचिंग के डायरेक्टर ने हमें इंस्ट्रक्शन दे रखे ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। अब ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा वो एग्जाम में आना ही नहीं है, बंच ऑफ स्टडी क्यों करूं यार, जो दे रखा है उस पर ही प्रैक्टिस करूं ना।
तो आपको एनसीईआरटी में प्रैक्टिस करते जाना है। इसके अदरवाइज कोई और मोटिवेशन आपके लिए अप्लाई नहीं होता, है ना। कोई, मैं हर चीज को बोलता गया हूं, लिखता गया हूं क्लास की तरह, वरना मैं यूं भी कर सकता था और यूं बैठकर आराम से बोलते जाता भाई इसे आधे घंटे पढ़ लीजिएगा, इसको दो घंटे कर लीजिएगा, इसको ऐसे कर लीजिएगा, इसको वैसे कर लीजिएगा, अब मैं आपसे बहुत खतरनाक बातें करने वाला हूं, अब ये आने वाला है, अब आप ऐसे करोगे तो ऐसे निकल जाओगे। भाई देखो, मुझे बेवकूफ बनाना नहीं आता। मैं जो भी हूं किसकी वजह से हूं, स्टूडेंट की वजह से हूं। मैं टीचर हूं किसकी वजह से हूं, स्टूडेंट की वजह से। अगर वहीं मैं टाइम पास करूंगा तो फिर मेरे साथ भी टाइम पास होगा। हो सकता है किसी को लेक्चर अच्छा ना लगे, है ना, उसके लिए वेलकम। किसको लग सकता है लेक्चर बहुत अच्छा लगे, उसके लिए वेलकम। भाई पसंद और ना पसंद दोनों के जो अधिकार हैं वो राइट्स हैं आपके पास हैं, है ना, ये दोनों राइट्स आपके पास हैं। लेकिन मेरे पास जो देने को था वो मैंने आपको दिया। एक नीट के लिए आप छोटी सी एक लेक्चर में और आपको दूंगा, जिसमें आपको प्लानिंग पेपर की 90 क्वेश्चन कैसे तैयार करने हैं बायो ओनली, स्पेशली बायो की, तो वो क्लास में आपके लिए और अवेलेबल कराऊंगा और आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना आप लोग तैयार कीजिएगा, अच्छी तरह से प्रॉपर पढ़िएगा। आपके लिए मैं, हम टीचर्स की तरफ से, मैं क्या, हमारी पूरी ट्यूस फैमिली की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेज हैं। आप बेस्ट से बेस्ट कीजिए, है ना, आप उसको एग्जाम को, अपने गोल्स को अचीव कीजिए। हमारा आशीर्वाद आपके हमेशा साथ है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है हमेशा, और आप बेस्ट करेंगे, ये विश्वास हमें भी है आपके साथ, है ना। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो हम आपको दे रहे हैं वो हमें बेस्ट दिया है आपको, और हमें ये कॉन्फिडेंस है कि आप उसका रिजल्ट हमें देंगे, और बिल्कुल बिना प्रेशर के साथ आराम से अपने जेब में हाथ डालकर खुद आराम से एग्जाम के टाइम जाइएगा कि हम लोग, हमसे बेस्ट कोई कर ही नहीं सकता, हम बेस्ट करके आएंगे, ठीक है। बाकी प्लानिंग में नेट की आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। गुड डे एंड गुड बाय।